डीसीपी ऑफिस के पास ठग ठग गैंग ने वारदात को दिया अंजाम। गैंग के दो लोगों ने डीजीएचएस के डॉक्टर को किया टारगेट, ध्यान भटकाकर आईफोन लेकर हुए फरार। बिहार से फोन करके लूटा ईस्ट रोहतास नगर के बुजुर्ग को, शहादरा साइबर थाने में दर्ज हुआ था मामला। नकली पुलिस इंस्पेक्टर बनकर ट्रांसफर कराए थे। बिना पर्ची के नहीं मिलेगी एंटीबायोटिक दवा, पूर्वी दिल्ली के डॉक्टरों ने आदेश को बताया सही, गलत दवा से किसी की जान जा सकती है। दिल्ली मेट्रो में हो रही है सख्त चेकिंग, मेट्रो स्टेशन पर लोगों को लगना पड़ रहा है लंबी लंबी कतारों में। सीआईएसएफ द्वारा यात्रियों की जांच होगी 27 जनवरी तक। प्रीत विहार में जान से मारने की धमकी देने का मामला आया सामने, आरोपी है शिकायतकर्ता का जानकार, बात न मानने पर अपराध में फंसाने की भी धमकी दी। नमस्कार, स्वागत है आपका पूर्वी दिल्ली खास में, मैं आपके साथ प्रगति मिश्रा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। इस डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी ऑफिस के पास कल शाम ठग ठग गैंग ने एक वारदात को अंजाम दिया। गैंग के दो लोगों ने डीजीएचएस के डॉक्टर को टारगेट किया। आरोपियों ने उन्हें घेर कर उनका ध्यान भटकाने के लिए कार के शीशे को पीटा। उनका ध्यान भटकाने के बाद आरोपी उनकी गाड़ी से उनका आईफोन लेकर हो गए फरार। मधुविहार पुलिस ने डॉक्टर के बयान पर केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पीड़ित अमित कुमार गौतम मयूर विहार इलाके में रहते हैं, वह डीजीएचएस के डॉक्टर हैं। कल शाम कड़कड़दुमा स्थित वह डीजीएचएस हेडक्वार्टर से अपने घर जाने के लिए निकले। 6:45 पर वह डीसीपी ईस्ट के ऑफिस के पास डीडीए पार्किंग के पास पहुंचे। वह जाम लगा हुआ था, उसी दौरान ड्राइवर के बगल वाली सीट के पास एक लड़का आया और बाहर से ही कार के शीशे को जोर जोर से पीटने लगा। जैसे ही उसने शीशा खोला वैसे ही फोन लेकर भाग गया। शहादरा की साइबर सेल पुलिस ने बिहार के एक व्यक्ति सुनील कुमार को गिरफ्तार करके 1,00,000 रुपए धोखे से ट्रांसफर कराने का मामला सुलझाया है। सुनील कुमार 12वीं पास है और पहले चाय की दुकान चलाता था, लेकिन ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में वह फंस गया। उसके खाते में 10,00,000 रुपए मिले हैं, जिसे लगता है कि उसने और लोगों को भी इसी प्रकार डरा कर उनसे पैसे वसूले हैं, इसलिए पुलिस और जांच कर रही है। शहादरा जिले के डीसीपी सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि ईस्ट रोहतास नगर के रहने वाले ब्रह्म सिंह ने साइबर थाने में यह शिकायत दर्ज कराई थी कि 31 दिसंबर को उनके पास एक व्हाट्सएप कॉल आई, जिसमें बताया गया कि मैं सदर बाजार थाने से बोल रहा हूं और तुम्हारे रिश्तेदार को हमने पकड़ रखा है, अगर उसे छुड़वाना है तो 1,00,000 रुपए फौरन ट्रांसफर कर दो। ब्रह्मा सिंह ने पैसे ट्रांसफर कर दिए, लेकिन बाद में पता चला कि उसने ठगी हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज होने के बाद उस फोन नंबर की जांच की गई जिससे कॉल आई थी, वह बिहार का नंबर था। जांच करते हुए पुलिस बिहार के जुमई इलाके में गांव की नजारी से सुनील कुमार तक पहुंच गई और उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके दो फोन बरामद हुए हैं। इस मामले को सुलझाने के लिए बनाई गई टीम ने इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार और अवधेश सिंह, हेड कांस्टेबल दीपक कुमार, सचिन और धनेश की भूमिका सराहनीय रही। इन्होंने एसीपी गुरुदेव सिंह के निर्देश में इस मामले को सुलझाया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डीजीएचएस ने देश की सभी मेडिकल और फार्मास्यूटिक एसोसिएशन को कहा है कि वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक दवा नहीं दे। इसी पर पूर्वी दिल्ली के डॉक्टरों से जब सीसीएन की टीम ने बात की तो डॉक्टर वी के मोंगा ने बताया कि ऐसा करने से मरीज की हालत गंभीर हो सकती है और जान भी जा सकती है। वहीं डॉक्टर गौतम सिंह ने कहा कि डीजीएचएस का यह निर्देश डॉक्टर जगत स्वागत करता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए ये भी बताया कि पूर्वी दिल्ली में ऐसा केस हुआ है कि पति अपनी पत्नी के लिए दवाई लेकर आता है क्योंकि पत्नी के पेट में दर्द हो रहा था, लेकिन वह ये नहीं जानता था कि वह प्रेगनेंसी के पहले का दर्द है, अगले दिन उसकी जान चली जाती है। वहीं जब घर वालों से बात करने की कोशिश की तो सभी कैमरे से छुपते नजर आए, लेकिन कैमरे के पीछे उन्होंने बताया कि हम डिस्क्रिप्शन के साथ ही दवाइयां दिया करते हैं। देखिए, जो दिल्ली सरकार की जो ये नियम आया है जिसमें दिल्ली सरकार ने ये निर्देश दिया है कि जितने भी केमिस्ट हैं उनको जो डॉक्टर्स की प्रिस्क्राइब दवाई है उसी पे जो है वो एंटीबायोटिक्स और एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स जो हैं वो डिस्पेंस करने चाहिए, इसका डॉक्टर जगत जो है तहे दिल से इसकी सराहना करता है और इसका स्वागत करता है। अभी तक हो क्या रहा था कि अगर कोई मरीज जो है वो केमिस्ट के पास जाता था तो केमिस्ट जो है कोई भी एंटीबायोटिक जो है वो पेशेंट को दे देता था,
ये सोच के कि शायद जो है ये पेशेंट के लिए भला करेगा, मगर इस ऐसे में देखा गया कि कई बार जो है मरीज का काफी नुकसान भी हो जाता है। अभी हाल ही की बात है अपने ईस्ट दिल्ली की, कि जिसमें एक यंग न्यूली मैरिड लड़की जो है वो रात को उसके पेट में दर्द होता है, वो केमिस्ट पे जो है उसका हस्बैंड जाता है और केमिस्ट से पेट दर्द की दवाई ले लेता है और अल्टीमेटली जो है वो लड़की अगले दिन मर जाती है, क्योंकि उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी और उसको जो है सिंपल पेट दर्द की दवाई देके जो है वो लेटा दिया जाता है या उसको मेडिकल अटेंशन नहीं मिल पाता। तो ऐसे भी हादसे जो है वो कई बार हो जाते हैं और कई बार जो है ये देखा गया है कि ज्यादा एंटीबायोटिक लेने में या बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक लेने में बहुत बार इसका मिसयूज हो जाता है। मरीजों को सलाह दी जाएगी कि बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के केमिस्ट के पास ना जाए, ये अनएथिकल भी है, इलीगल भी है, ये दोनों के लिए, पेशेंट के लिए भी और केमिस्ट के लिए भी, कि अगर उसके पास डायरेक्ट आप खांसी जुकाम बुखार की या इन्फेक्शन की या टाइफाइड की किसी भी बीमारी की दवाई लेने जा रहे हैं तो केमिस्ट जो है वो दवाई देगा, आपको नुकसान ज़्यादा होगा, उसका हो सकता है आपको दो चार दिन में फर्क पड़ जाए, लेकिन अल्टीमेटली उससे ह्यूमैनिटी को, आपके क्षेत्र की जो जो कम्युनिटी के अंदर जो बैक्टीरिया बन रहे हैं उसके ऊपर बहुत नुकसान होने वाला है। तो पेशेंट को हिदायत दी जाती है कि वो डायरेक्ट केमिस्ट के पास ना जाए और केमिस्ट को ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये इलीगल है, उनके ऊपर एक्शन भी होना चाहिए कि अगर वो एंटीबायोटिक अपनी मर्जी से दे रहे हैं तो। दिल्ली मेट्रो में अब यात्रियों को थोड़ी और चेकिंग का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल दिल्ली में 26 जनवरी की तैयारियां जोरों से हो रही हैं। ऐसे में हमारे संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के शहादरा मेट्रो स्टेशन का जायजा लिया तो देखा कि दिल्ली मेट्रो में यात्रा करने वाले यात्रियों की गहन जांच की जा रही है। CISSF ने मोर्चा संभाल लिया है, इस कारण दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर लोगों को लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है। बता दें कि CISF द्वारा यात्रियों की गहन जांच 27 जनवरी तक की जाएगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने इसकी जानकारी साझा की। DMRC ने बताया कि इसका परिणाम है कि मेट्रो स्टेशन पर लोगों को लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है, खासकर पीक आवर्स के दौरान। चेकिंग तो होगी, 26 जनवरी आ रही है उसके लिए तो चेकिंग होगी ना, नॉर्मली जो जैसे जैसे चेकिंग होती है वैसी है, वैसी है, अदरवाइज ऐसा कोई परेशानी वाली बात नहीं है, नॉर्मल परेशानी वाली बात कोई है नहीं, नॉर्मल चेकिंग जैसी होनी चाहिए, जो उनका फर्ज है वो अपने फर्ज को आराम से निभा रहे हैं। जी देखो बहुत दिक्कत हो रही है, जैसे हमें कहीं जल्दी जाना है, कोई काम करना है और यहाँ पर घर में कोई हादसा हो रखा है, फिर भी ये चेकिंग पूरे वैसे सब कुछ कार्ड कूड ये दिखाओ, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी मेट्रो स्टेशन में बहुत समय पहले आ जाते हैं, पर यहाँ पर ये चेकिंग चुकिंग के उसमें बहुत देर हो जाती है हमें ऊपर जाने में। अंदर खाली है मेट्रो स्टेशन? मेट्रो स्टेशन अंदर से खाली है जी। पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की ओर से अपने जानकार कि BMW कार न लौटाने और कार अपने नाम पर कराने को लेकर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित मुकेश शर्मा प्रीत विहार इलाके में रहते हैं। आरोपित रोहित पीड़ित का जानकार है और वह भी प्रीत विहार में रहता है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपित के खिलाफ अमानत के खयानत के खिलाफ एक FIR दर्ज कराई है और जांच शुरू कर दी है। पीड़ित ने बताया कि पिछले वर्ष 20 जनवरी 2023 को उनका एक जानकार शादी में जाने की बात कहकर उनकी BMW कार ले गया था। वह अगले दिन आया और उनसे उनके पास चाबी खो जाने की बात कहकर दूसरी चाबी भी ले गया। उसने कहा कि वह जल्द कार और दोनों चाबियां वापस कर देगा, लेकिन इसके बाद आरोपी उन्हें धमकाने लगा और कहने लगा कि कार मेरे नाम कर दो। वह कार अपने नाम कराने को लेकर उन्हें परिवार को जान से मारवाने की धमकी भी देने लगा। इसके बाद कहने लगा कि अगर कार उसके नाम नहीं हुई तो वह किसी अपराध में कार का उपयोग करके उन्हें फंसा देगा। शहादरा जिले के स्पेशल स्टाफ की टीम ने कड़कड़दुमा कम्युनिस्ट सेंटर मार्केट के एक स्पा सेंटर में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। स्पेशल स्टाफ ने स्पा सेंटर में छापा मार कर एक लड़की सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया है। शहादरा जिले के DCP सुरेंद्र चौधरी ने गुरुवार को बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान मदन कुमार के रूप में हुई है, जबकि गिरफ्तार लड़की की क्षेत्र की ही रहने वाली है। DCP ने बताया कि स्पेशल स्टाफ की टीम को सूचना मिली थी कि कड़कड़दुमा कम्युनिस्ट सेंटर मार्केट के फर्स्ट फ्लोर पर स्पा एंड मसाज सेंटर में स्पा के नाम पर सेक्स रैकेट चला रहा है। सूचना मिलते ही स्पेशल स्टाफ और आनंद विहार थाना की एक ज्वाइंट टीम मौके पर पहुंची और मदन कुमार और लड़की को गिरफ्तार कर लिया। पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी इलाके में स्कूटी सवार 3 युवकों ने कार सवार कारोबारी को बुरी तरह से पीटा। इतने पर आरोपित रुके नहीं, उन्होंने फुटपाथ से ईंट उठाकर कारोबारी पर हमला कर दिया। पीड़ित के एक जानकार वहां पर पहुंचे तो आरोपित पकड़े जाने के डर से स्कूटी समेत वहां से फरार हो गए। घायल हालत में गिरिराज कौशिक को इलाज के लिए हेडगेवार हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां से उसे एम्स रेफर कर दिया गया। पुलिस ने FIR दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।
पूर्वी दिल्ली कृष्णा नगर स्थित लाजपत राय चौक से लेकर छाछी बिल्डिंग तक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें काफी भारी संख्या में लोगों ने शिरकत की। ऐसे में आयोजक डॉक्टर अनिल गोयल ने बताया कि शोभा यात्रा के माध्यम से हर शख्स अपनी हाजिरी लगाता नजर आ रहा था। हर व्यक्ति राममय है, हर तरफ राम नाम के जय जयकार लग रहे हैं। वहीं शोभा यात्रा में बाइक रैली निकाली गई, जिसमें कई लोगों ने बाइक पर सवार होकर जय श्री राम के जय जयकार लगाए। लोगों का उत्साह भी इस शोभा यात्रा में देखने को मिला। लोगों में बहुत ही उत्साह है और चारों तरफ जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। और इस लंबी और भव्य यात्रा का आयोजन जो किया जा रहा है, उसमें हजारों लोग जुड़ने वाले हैं, बड़ी संख्या में लोग आ चुके हैं। सबके मन में बस यही है कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग क्या हो सकता है। 22 तारीख का महत्व ये है कि सांस्कृतिक पुनरुत्थान है, जो हम लोगों की जो सांस्कृतिक गुलामी थी वो ख़त्म होने वाली। 550 साल रामलला अपने वापस राजमहल में आ रहे हैं, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। तो ये इसमें ये मानिए कि सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि हम अपनी संस्कृति से फिर से जुड़ रहे हैं, जो एक तरह से पीछे में शायद थोड़े कम हो गए थे। तो हमारे सबके लिए बहुत ही गौरव का विषय है, देश के लिए गौरव का विषय है। पूरे विश्व में हिंदू समाज ही नहीं, बहुत सारे नॉन हिंदू भी लोग हिंदूज़ के साथ मिलकर, सनातनी लोगों के साथ मिलकर जगह जगह राम रैली कर रहे हैं। 22 तारीख को तो देश में उत्सव रहेगा, बादशाह में तो बड़ी दिवाली रहेगी। आज की जो भव्य यात्रा जो निकाली जा रही है, लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है और ये पूरा विधानसभा हम लोग कवर करेंगे। और आप देख ही रहे कि केसरिया पूरा सब जगह नज़र भी आ रहा है और लोगों में बहुत उल्लास है, बहुत ज़्यादा, बहुत खुशियाँ हैं। रामलला आज हमारे 500 साल बाद आज अपने मंदिर में 22 तारीख को विराजमान होंगे, तो उसकी खुशियाँ उस दिन तो देखने लायक होगी। अभी आप देख ही रहे, बहुत ज़्यादा उत्साह है। ये तो अभी शुरुआत है, 4-5 दिन से रेगुलर ये शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं। 21 तारीख को भी है गीता लोनी में, 22 तारीख को तो भव्य परम रहने वाले हैं। देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा था कि वर्षों की प्रयास के बाद, मेहनत के बाद जो है भक्तों के अयोध्या में जो श्री राम जी के मंदिर का जो है अनावरण हो रहा है, जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उससे पूरे इंडिया में ही नहीं पूरे विश्व में जो है बहुत हर्ष और उल्लास का माहौल है। तो उस हर्ष और उल्लास को प्रकट करने के लिए अपने अपने शहर में, अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने क्षेत्र में सभी भक्त लोग जो भी प्रयास हो सकता है, मंदिरों में पाठ रख रहे हैं, हनुमान सुन, राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा और उनकी स्थापना के ऊपर काफ़ी उत्साहित है। जगह जगह इलाकों में, अपनी अपनी गलियों में यहाँ पर शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं, मंदिरों में पाठ चल रहे हैं, लोगों के बीच में काफ़ी उत्साह है। यहाँ पर भी तकरीबन काफ़ी संख्या में जो लोग मौजूद हैं और यहाँ पर बाइक रैली निकाली जा रही है, साथ ही यहाँ पर रथ यात्रा भी है, वो भी लोगों के माध्यम से निकाली जा रही है। भजन जो है लगातार राम जी के चल रहे हैं, हनुमान जी के भजन यहाँ चल रहे हैं। लोग काफ़ी उत्साहित हैं, काफ़ी खुश हैं, काफ़ी जोश में हैं। यहाँ पर काफ़ी नेतागढ़ भी मौजूद हैं, जिनकी वजह से जिन्होंने यहाँ पर इस शोभा यात्रा का आयोजन किया है। उत्साह बहुत ज़्यादा है और रैली का भी लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरा आनंद लेते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन रोहित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, सीसी। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार स्थित डीडीए फ्लैट्स में सुविधाओं का अभाव नजर आता है, इधर उधर गंदगी फैली रहती है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि ये डीडीए की जगह है, पहले यहाँ पार्क था लेकिन अब यहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लेकिन कोई साफ सफाई नहीं होती। इस जगह पर लोग अब अपनी गाड़ियां खड़ी कर जाते हैं, साथ ही इसकी वॉल जगह जगह से टूट चुकी है, जिसकी वजह से चोरी की वारदातें हो जाती है। बार बार शिकायत की जाती है और सुझाव भी दिए जाते हैं कि या तो इस जगह को पार्क बना दिया जाए या फिर लोगों को गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग की व्यवस्था कर दी जाए, क्योंकि कॉलोनी में लोगों को पार्किंग के लिए भी काफी दिक्कतें होती हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं होती है। यहाँ से बहुत परेशानी है, काफी दिन से हो रही है, आज से नहीं है, बहुत पुरानी हो चुकी है और आए दिन तो चोरी होती है। दीवारें तोड़ तोड़ के, लोहे की दीवारें या सारी ये लेके उठा के और यहाँ गंद सारा यहीं फेंकते हैं लोग। ये आसपास के लोग ही हैं, बाहर के आ जाएं वो डर जाएं गाड़ी में ला के। कुछ कोठियों की हैं, कुछ डीडीए फ्लैट की हैं, दोनों जगह की हैं। यहाँ की साफ सफाई हो जाए और क्या है, नाली भरी पड़ी है, आप देखो जाके आगे पानी रोड पर बह रहा है, पानी नहीं निकलता, इतना मच्छर है अंदाजों दुनिया भर का, इतनी गंदगी। तो ये साफ हो जाए तो कम से कम पार्क ही बन जाए तो सफाई तो रहे, यहाँ पे पूरी गंद, सब लोग सब यहाँ पे ही पड़ी रहती है गंद। बीमारियों का डर रहता है, रोज दिन बुखार भी आते हैं और हम, मेरे हस्बैंड तो वैसे भी डायलिसिस पेशेंट है। पार्किंग बना दी जाए तो उससे तो बेस्ट है ही नहीं, पहले बोला हुआ है लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं। सबसे पहले वैसे पार्किंग हो जाए तो लोगों के लिए बहुत
सुविधा हो जाए, साफ सुविधा भी, वो साफ सफाई भी रहेगी, एक बार सफाई हो जाए तो सब लोग फिर मिलके जो है झाड़ू वगैरह वाला लगा सकते हैं, सब सफाई करा सकते हैं, लेकिन पहले ये कूड़ा तो उठे, सफाई तो हो, तभी काम होगा कुछ। ये हमारी जगह थी जो हमारे यहाँ पहले यहाँ थाना था, थाना हमारे यहाँ से जा चुका है, और यह हमारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं कार वगैरह के लिए, और इतना मलबा है, कितनी बार हमने लिखवा दिया। अभी पीछे मेरी 10 दिन पहले मीटिंग SDM साहब के साथ हुई थी, हमारी यहाँ की निगम पार्षद भी बैठी थी, उनको भी नोट करवाया था, क्योंकि यहाँ पीछे सारा मलबा वगैरह शुरू से इन्होंने कोई साफ नहीं करा, ये सारा नरक बना रखा है, गंदगी इतनी हो रही है, पीछे रेलिंग है, पार्किंग कर जाते हैं हमारे यहाँ सारे ए ब्लॉक बी ब्लॉक से भी, हमारे डी ब्लॉक तक के लोग खड़ी कर जाते हैं यहाँ पर गाड़ियाँ, और ये गंदगी, और ये साफ सफाई हो जाए तो कम से कम, यहाँ चोरी का भी डर लगा रहता है क्योंकि पीछे दीवार टूटी हुई है यहाँ पर, कई बार हुए हैं, कई बार हमारे गाड़ी के स्टूडियो वगैरह गाड़ी के कई नुकसान हुए हैं घरों में से भी, क्योंकि पीछे दीवार थी थाने वाली वो जगह। पूर्वी दिल्ली के खुरेजी में भारी अतिक्रमण पर बुलडोजर चला, इसी का जायजा जब हमारे संवाददाता ने लिया तो देखा कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम के प्रदूषण केंद्र पर भी बुलडोजर चला है। पेट्रोलियम पंप के मालिक ने सरकारी अधिकारियों का घेराव करते हुए कहा कि 35 साल से इस पेट्रोल पंप को मैं चला रहा हूं, आज तक एक भी नोटिस हमने नहीं दिया। उनका यह आरोप भी है कि आसपास आप देख सकते हैं कि कितना अतिक्रमण है, लेकिन आगे एक दुकान और हमारे पेट्रोल पंप का प्रदूषण केंद्र तोड़ा गया। वहीं आगे दुकान वाले से बात की तो उन्होंने बताया ये बिना नोटिस के किया गया है। मेरे यहाँ पे लड़कियाँ काम करती हैं, मैं इतनी सेंसिटिव एरिया में खुद अकेली पंप चलाती हूँ, और इन लोगों ने आके बिना नोटिस के 35 साल से तो किसी ने मुझे नोटिस नहीं दिया, मुझे नोटिस देते और मैं नहीं हटाती तो मैं जिम्मेदार होती, इन्होंने मुझे बिना नोटिस दिए हुए मेरा ये पोल्यूशन तोड़ दिया इन लोगों ने। और देखिए अब बाकी जगह, सब जगह देखिए कहाँ पर क्या क्या एनक्रोचमेंट है, इधर से लेकर उधर से देखिए ना, ये तो मैं तो पब्लिक सर्विस में हूँ, मैं तो कुछ नहीं, मैं तो अंदर कर लूँगी, विच इज़ वेरी रॉन्ग। ये जो ऑफिसर है, हेड ऑफिस तक मैं जाऊंगी, मैं प्रधानमंत्री ऑफिस तक जाऊंगी, मैं ये मेल भेजूंगी, मैं सब जगह वीडियो भेजूंगी, विदाउट नोटिस इन्होंने ये मेरा पेट्रोल पंप का पोल्यूशन तोड़ा है। ये देखिए सारी कितनी एनक्रोचमेंट करके वहाँ कुछ ही नहीं किया, सारी आप दिखाइए उधर सामने देखिए, वो इतनी एनक्रोचमेंट है, गाड़ियाँ पूरी लगा रखी है, कोई हटाता नहीं, और ये कैबिन को सुबह आके बुलडोजर लगा के हटा दिए, तोड़ दिया। हमें टाइम दीजिए सर, हमें पास नोटिस भी नहीं आया, ऊपर से हम बोल रहे हैं कि हमें 10 मिनट टाइम दीजिए, हम सारा हटवा देंगे, हमें कुछ भी नहीं दिया, ऊपर से और बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट काम है, सरकारी काम है, तुम लोग मत पड़ो बीच में, हमें ऐसा बोल रहे हैं। परेशानी क्या, हम भाई खाते कमाते थे, हम मजदूर थे, समझ लो किराए पे दुकान पर था, कम से कम 15 साल मुझे हो गया यहाँ पे रहते हुए, 15 साल से हम इसको चला रहे थे, ना तो नोटिस आया मेरे पास, ना तो कुछ भी आया, अचानक बुलडोजर लेके आए, एमसीडी वाले तोड़ के चले गए। स्टूडेंट की उम्र अगर 16 से कम है तो कोचिंग सेंटर में नो एंट्री, इसी पर जब पूर्वी दिल्ली के कोचिंग सेंटर टीचर्स और पेरेंट्स से हमारे संवाददाता ने बात की तो टीचर ने बताया कि कम उम्र के बच्चों को बड़े बड़े शिक्षण संस्थान, इंजीनियर, IIT प्रिपरेशन के लिए झूठे प्रचार से फंसा देते हैं और अभिभावक भी उनकी बातों में आ जाते हैं, इसके बच्चों के मानसिक स्तर को दिक्कत होती है और वह गलत कदम उठा जाते हैं। वहीं पेरेंट्स ने भी बताया कि स्कूल के बढ़ते नए तरीके के नियम हर एक कोर्स को एडवांस कर रहे हैं, इसके चक्कर में हम लोग कोचिंग लगाते हैं और हमारा बच्चा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। उदाहरण के लिए हमारे जमाने में जो हमारा 12वीं का बैग हुआ करता था, वह आज नर्सरी का बच्चा लेके जाता है। आपको बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग सेंटर के लिए रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन पर नए निर्देश दिए हैं, इसके मुताबिक कोई भी कोचिंग सेंटर 16 से कम उम्र के स्टूडेंट का नामांकन नहीं करेगा, यह छात्र का नामांकन माध्यमिक स्कूल शिक्षा के बाद ही किया जाना चाहिए। कोचिंग सेंटर अपने यहां संख्या बढ़ाने के लिए किसी भी छात्र या अभिभावक से अच्छे नंबर, रैंक दिलाने जैसे झूठे वादे नहीं करेगा, और अगर कोई कोचिंग सेंटर पाया गया तो पहले 25,000 और दूसरी बार 1,00,000 तक का जुर्माना देना पड़ेगा। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो निर्णय लिया गया है ना कि 16 साल से कम बच्चों का कोचिंग सेंटर में प्रवेश नहीं होगा, या जो बच्चा सेकेंडरी कम से कम नहीं कर लेता उसको ट्यूशन में एनरोल नहीं करना होगा। जैसा कि आपने देखा है कि IIT में, नीट में, JEE में बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर रहता है, इतने बच्चे तनाव में रहते हैं, तो उनको एक रैंक लाने के लिए ना कोचिंग सेंटर, जैसे कोटा में आपने देखा होगा, तनाव के चलते हुए कई बच्चों ने आत्महत्या कर ली, कुछ बच्चों ने अपना घर बार छोड़ दिया, पेरेंट्स कर्ज लेके ऐसे कोचिंग सेंटर में बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, और नतीजा उसका क्या निकल रहा है? जीरो। क्योंकि तो उनके जो झूठे और भ्रामक विज्ञापन है उसके लालच में आकर बच्चा उस सेंटर में चला जाता है। 16 साल का बच्चा, 8th, 9th, 10th का बच्चा, आप सोचो कि वो कितनी नॉलेज बच्चे को होगी, कितना वो मैच्योर होता है। तो ये जो निर्णय है कि 16 साल से कम बच्चों को एडमिशन नहीं देना, हम इस जो आदेश का, इस गाइडलाइंस का बहुत ही जोरदार तरीके से स्वागत करते हैं। और इसके अलावा जो उनकी सेकंड उसमें एक रूल है कि कोई भी कोचिंग सेंटर
जब तक रजिस्टर नहीं होगा, जब तक उसका प्रॉपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। सेकंड, उसमें जो पढ़ाने वाले टीचर हैं, जब तक वो उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होगी वो आपके यहाँ पढ़ा नहीं सकते। और कोई भी आप ग्रंटेड एडमिशन के नाम पर कि आप जेई में ग्रंटेड एडमिशन, नीट में ग्रंटेड एडमिशन, आप ये कोई भ्रामक वादे आप नहीं करेंगे। भैया कायदे में तो स्कूलों को भी प्रेशर अपना कम करना चाहिए बच्चों की पढ़ाई के लिए, कि हर स्कूल के अंदर ये होड़ लगी हुई है कि हमारा सिलेबस इस टाइप का हो कि बच्चे एडवांस पढ़ सके। उसका नतीजा ये होता है कि कुछ बच्चे उसको टेक ओवर कर लेते हैं, कई बच्चे उसको फॉलो अप नहीं कर पाते, जिससे उनके पास ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। फिर नतीजा क्या होता है, वो कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं, कोचिंग सेंटर उन्हें गारंटी देते हैं कि भाई हम जो हैं क्या नाम है इन्हें इस हिसाब से कर देंगे कि इनकी रैंकिंग बैक बेंचर होने अभी तो बैक बेंचर हैं, उसके बाद ये फर्स्ट बेंचर आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बच्चों के माइंड के ऊपर उसका नेगेटिव प्रेशर बन रहा है कि भाई अगर छोटे बच्चे इतना प्रेशर लेके अभी से पढ़ाई करेंगे तो आगे चल के मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उनके लिए दिक्कत होगी। देखो छोटा सा बच्चा है, स्कूल में पेरेंट्स बताते हैं कि ये बना के लाओ, बच्चे ने क्या बनाना है, कह रहे जी कभी ये बना लाओ ये बना लाओ। पेरेंट्स पे प्रेशर इतना हो जाता है कि मेरा बच्चा फर्स्ट आना चाहिए, बच्चे के में भी लगा रहता दिमाग में मेरे पर फर्स्ट आना चाहिए, इतना प्रेशर है। छोटे से बच्चे की जो खेलने की उम्र है, आज पहली का बच्चा है, उसका बैग इतना बड़ा है कि हम जब 12th में पढ़ते थे इतना वजन हमारे बैगों का नहीं होता था जो आजकल पहली दूसरी के बच्चों को होता है। इतना सिलेबस है, इतना वो है। तो जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया बहुत अच्छा लिया है और मैं इससे सहमत हूँ। आज के बुलेटिन में केवल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पूर्वी दिल्ली खास।